सब्सक्राइब करें बी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रिया गोस्वामी, आप सभी देख रहे हैं बी न्यूज। उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुप्रतीक्षित सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन लेने का सिलसिला 22 जनवरी से शुरू होगा। अभ्यर्थी 22 फरवरी 2018 तक इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका विज्ञापन आज जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोड़ती बोर्ड के अध्यक्ष जीपी शर्मा ने बताया कि 23,520 नागरिक पुलिस के आरक्षी, 18,000 पीएससी आरक्षी की सीधी भर्ती और 480 पद पर कुशल खिलाड़ी कोटे से नागरिक पुलिस की आरक्षी की भर्ती होनी है। फिलहाल खिलाड़ी कोटे से होने वाली भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं होगी। 18,000 पीएससी की भर्तियों में महिलाएं आवेदन नहीं कर सकेंगी। वहीं 23,520 आरक्षी पदों में महिलाओं को 20% आरक्षण दिया जाएगा। यह होगी अर्हताएं। इन भर्तियों में 18 से 22 साल की उम्र के इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा पास अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। आयु की गणना 1 जुलाई 2018 से होगी। इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाएगी। लिखित पैटर्न का भर्ती से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आवेदन में सही और योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को 300 नंबर की लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि एवं तार्किक क्षमता के प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत जवाब के लिए निगेटिव मार्किंग का प्रावधान भी किया गया है। ये होगा शारीरिक परीक्षा का मानक। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से गुजरना होगा, जिसमें पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली अभ्यर्थी को चयन के लिए योग्य माना जाएगा। हर चरण में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके आधार पर नियुक्ति की जाएगी। ऐसी ही चटकदार खबरों को जानने के लिए देखते रहें डेली न्यूज रिपोर्ट। धन्यवाद।